हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी संवाद। फ्रेंड्स, मैं हूं रवि रोनी और स्वागत करता हूं आप तमाम व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो है वो इंटरमीडिएट मीन आईएससी, आईए और आईकॉम तीनों क्लासेस के लिए इंग्लिश लिटरेचर के जो मेन बुक है यानी 100 मार्क्स का जो बुक है रेनबो पार्ट वन और पार्ट टू उससे रिलेटेड है। और इसमें हम लोग रेनबो का जो कम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश उससे हम लोग चैप्टर टू का सेकंड चैप्टर का स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर का स्टडी किया था, तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश डाउन द एजेज। तो आइए देखते हैं ये चैप्टर क्या कहता है। द इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा जो है इसका महत्व और इसका जो यूज है, इसका उपयोग है इन आवर मॉडर्न एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, यानी कि हमारे आधुनिक और इस ग्लोबलाइज्ड यानी कि भूमंडलीय संसार में क्रिएट्स द इम्प्रेशन, एक ऐसा प्रभाव क्रिएट करता है, बनाता है दैट कि इट इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। एक ऐसी भाषा हो गई है अंग्रेजी जिसे अधिकतम लोगों के द्वारा बोला जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, पूरे संसार में। हाउएवर, तो भी इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट, यह जानना काफी रुचिकर होगा कि मैंड्रिन चाइनीज, यानी कि मैंड्रिन चाइनीज एक लैंग्वेज है स्पोकन बाय अप्रोक्सीमेटली 87 crore 30 lakh पीपुल होल्ड्स दिस डिस्टिंक्शन। यानी कि मैंड्रिन चाइनीज लैंग्वेज जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है जिसे लगभग 87 crore 30 lakh लोगों के द्वारा बोला जाता है। इंग्लिश इज स्पोकन बाई अबाउट 30 crore 19 lakhs पीपुल, और अंग्रेजी जो है लगभग 30 crore 90 lakh लोगों के द्वारा बोली जाती है। दाउ यद्यपि इट इज ए लैंग्वेज, यह एक ऐसी भाषा है विच हैज इट्स प्रेजेंस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जो दुनिया के लगभग प्रत्येक हिस्सों में बोली जाती है। एंड इट्स पावर इज फेल्ट द वर्ल्ड ओवर, और इसकी शक्ति को पूरे दुनिया भर में महसूस किया जाता है। हिंदी इज द थर्ड इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड, और हिंदी भाषा जो है विश्व में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाने वाली लोगों की जो संख्या है वो तो पहले नंबर पर मैंड्रिन चाइनीज है, दूसरे नंबर पर इंग्लिश यानी अंग्रेजी है, और तीसरे नंबर पर जो है हिंदी, यानी कि हिंदी तीसरी सबसे बड़ी भाषा है जो पूरे दुनिया भर में बोली जाती है। अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट, और दूसरे जो है आश्चर्यजनक तथ्य जो है इज दैट, यह है कि इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 years ओल्ड, अंग्रेजी जो है मात्र 1500 साल पुरानी भाषा है। एंड द लैंग्वेज वी आर फेमिलियर विद, और वह भाषा जिससे हम लोग परिचित है यानी कि इज लेस देन 5 centuries ओल्ड, ये लगभग 5 शताब्दी से भी कम से बोली जाती है, यानी कि लगभग 500 साल से भी कम पुरानी भाषा हमारी भाषा हिंदी। मोर ओवर, इससे कहीं और अधिक, दिस लैंग्वेज हैज गिवन एक्सप्रेशंस टू वर्ल्ड क्लास लिटरेचर इन ऑल जनरेस, और यही कारण है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसने दुनिया के सभी भाषाओं मतलब सभी क्लास के जो अलग अलग तरह के जो लिटरेचर है उनको सम्मिलित किया है, मतलब समझाने का प्रयास किया गया है इंग्लिश भाषा में। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड मेनी अदर्स आर स्टिल कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ देयर आर्ट एंड आर रिलेवेंट फॉर देयर आइडियाज एंड लिटरेरी जीनियस। यहाँ पर कहा गया कि विलियम शेक्सपियर हो या विलियम वर्ड्सवर्थ हो या जॉन मिल्टन हो या दूसरे जो मतलब राइटर्स हो इंग्लिश लैंग्वेज के, या फिर ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट या स्टोरी राइटर या पोएट हो, स्टिल कंसिडर्ड, उन पर अभी भी अब तक भी विचार किया जाता है द ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ देयर आर्ट, उनकी कलाओं के लिए उन्हें ग्रेटेस्ट मास्टर कहा जाता है, एंड आर रेलिवेंट फॉर देयर आइडियाज एंड लिटरेरी जीनियस, कहा जाता है कि रेलिवेंट है, प्रासंगिक है किन के लिए, तो फॉर देयर आइडियाज, अपने विचारों के लिए, एंड लिटरेरी जीनियस और साहित्यिक बुद्धिमत्ता के लिए। द फॉलोइंग फैक्ट्स, निम्नलिखित जो तथ्य है विल एनेबल, ये सक्षम बनाएंगे यू आपको टू अंडरस्टैंड द रीजंस, कारणों को समझने के लिए, विच हैव ट्रांसफॉर्म, जिन्हें बदला गया है द वंस हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, यानी कि एक बार की बात है कि जो विनम्र पूर्व की जो समुद्र से दूरस्थ तट की जो बोली है टू ए पोजिशन, उसको एक ऐसा स्थान दिया गया ऑफ अनपैरेलल्ड ग्रेटनेस इन आवर टाइम्स। तो कहा जा सकता है कि डायरेक्ट टू ए पोजिशन ऑफ अनपैरेलल्ड ग्रेटनेस,
तो अनपैरल्ड का मतलब अद्वितीय होता है, ग्रेटनेस का मतलब सुंदरता होता है इन आवर टाइम्स, हमारे समय में। यानी कि ईस्ट मिडलैंड का डायलेक्ट ही आज के समय में जो इंग्लिश जो रिप्रेजेंट करता है वो बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश है। तो हम लोग देखते हैं कि पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी के इतिहास में जो पीरियड्स रहे, कौन कौन से काल रहे, उसको आज हम लोग समझते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा की जो क्रमागत जो विकास हुए, फ्रॉम द बिगिनिंग्स यानी शुरुआत से, इन द एंग्लो सैक्सन टाइम्स, यानी कि एंग्लो सैक्सन के टाइम से अंग्रेजी भाषा की शुरुआत या विकास, क्रमागत विकास शुरू हो गई थी, टू द मॉडर्न एरा, और अब तक चली, यानी कि मॉडर्न काल तक, मॉडर्न आधुनिक समय तक चली, हैज बीन एन अनब्रोकन वन, मीन अभी तक जो है, अब तक ये अभंग रहा, कह सकते हैं कि अब तक जो है अछूता रहा या दृढ़ रहा, अब तक ये चलता आया। वी कैन डिस्टिंग्विश थ्री मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री, हम लोग इतिहास को, अंग्रेजी के इतिहास को मुख्यतः तीन पीरियड में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। एंड ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज इन द फॉलोइंग मैनर, और भाषा के विकास को निम्नलिखित मैनर से, निम्नलिखित तरीके या ढंग से हम लोग बांट सकते हैं। तो कौन कौन से ढंग से भाषा को बांटा गया ये समझते हैं। तो फर्स्ट है ओल्ड इंग्लिश, जिसको ओई से डिनोट किया गया, इसको सिंबलाइज किया गया ओई से, यानी कि ओल्ड इंग्लिश को, और इसका पीरियड कब से कब तक रहा था, तो समझिए एडी 449 टू एडी 1066, यानी 449 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक का जो काल, जो अवधि रहा था, उसे ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना गया। इसके बाद सेकेंड है मिडिल इंग्लिश, तो मिडिल इंग्लिश को सिंबलाइज किया गया एमई से, और ये कब से कब तक इसका पीरियड रहा, तो समझिए एडी 1150 टू एडी 1500, यानी 1150 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक का जो समय अवधि रहा था, उसे मिडिल इंग्लिश के नाम से जाना गया। और लास्ट है मॉडर्न इंग्लिश, ये रहा कब से कब तक, तो एडी 1500 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1500 ईस्वी से अब तक का जो टाइम रहा, इसे मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना गया। तो आइए समझते हैं तीनों को, आखिर ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश है क्या। तो आइए चलते हैं ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है। तो थ्रू आउट दिस पीरियड, यानी कि इस पूरे पीरियड के दौरान, इंग्लिश कंटिन्यूड, यानी कि अंग्रेजी जो है वो लगातार जारी रहा, टू बी द लैंग्वेज ऑफ एवरी डे स्पीच, ये प्रतिदिन के स्पीच का लैंग्वेज बन गया, प्रतिदिन के भाषा का लैंग्वेज बन गया था इंग्लिश, फॉर द कॉमन मास, यानी कि साधारण लोगों के लिए, द डिविजन्स मेड अबव आर मोर फॉर कन्वीनियंस, बट इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश सर्टेन लिंग्विस्टिक फीचर्स इन द ईच ऑफ दीज पीरियड्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि द डिविजन्स मेड अबव आर मोर फॉर कन्वीनियंस, यानी कि ऊपर में जो बंटवारे किए गए हैं ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के, ये और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए हैं। बट लेकिन इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश सर्टेन, ये संभव है कि इसको अगर निश्चित सर्टेन लिंग्विस्टिक फीचर्स इन ईच ऑफ दिस पीरियड्स, अगर इसको यह संभव है कि इसको और अगर बांटा जाए, डिस्टिंग्विश किया जाए, अलग रखा जाए, सर्टेन लिंग्विस्टिक फीचर्स, यानी कि एक निश्चित भाषाई विशेषताओं के मध्यनजर इसको बांटा जाए, तो इन ईच ऑफ दिस पीरियड्स, तो इन सभी पीरियड को और बेहतरीन तरीके से डील किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज, यानी कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड को कैरेक्टराइज किया गया है बाय इनफ्लेक्शंस, यानी कि कई मोड़ों से इसको कैरेक्टराइज किया गया है, ग्रेजुअली और धीरे धीरे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लगभग एक काल, एक ऐसा समय रहा था वहां तक, देज इन्फ्लेक्शंस, ये जो मोड़ थे, वेर फाउंड टू हैव बीन लेबल्ड, इनको भी बराबर कर लिया गया था। लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एज वाज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिटरेचर प्रोड्यूस्ड, जब साहित्य का जब निर्माण हुआ, ड्यूरिंग द एज, इस एज के दौरान, वाज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस, वो जो था, मीन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं था, बहुत ज्यादा महत्व का नहीं था, एज कोर्ट पैट्रोनेज, यानी कि कोर्ट के संरक्षक के रूप में, वाज लैकिंग, उसकी कमी रह गई थी, एंड द एज केम टू बी नोन एज द डार्क एज, और वो जो एज, वो जो टाइम जो आया ना, उसे डार्क एज के नाम से जाना गया। तो ये था ओल्ड इंग्लिश के बारे में। अब हम लोग समझते हैं मिडिल इंग्लिश के बारे में। तो मिडिल इंग्लिश कहता है क्या कि फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1150 ईस्वी के बाद से आगे का जो समय रहा, इंग्लिश बिगेन टू एमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, ये जो इंग्लिश है वो साहित्य की भाषा के रूप में ये लैंग्वेज सामने आने लगा, इंग्लिश।
द लैंग्वेज वॉज एनरिच्ड थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। और ये लैंग्वेज जो है ना और ज्यादा ताकतवर या शक्तिशाली हुआ या और ज्यादा समृद्ध हुआ, एनरिच हुआ किससे, तो थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन, यानी कि फ्रेंच वर्ड्स और लैटिन वर्ड्स के इंग्लिश में मिल जाने से ये लैंग्वेज जो है और ज्यादा समृद्ध हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस टू अदर मेजर डेवलपमेंट्स, ये दो बड़े बड़े विकास के अतिरिक्त ऑक्यूर्ड, वन वॉज द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इज 1476। पहला जो रहा था सबसे बड़ा विकास मतलब मिडिल इंग्लिश में वो रहा था इन्वेंशन यानी खोज, किस चीज का, तो द प्रिंटिंग प्रेस यानी प्रिंटिंग प्रेस का खोज, और कब हुआ था 1476 1476 ईस्वी में। द अदर बींग ए कंसिडरेबल राइज इन लिटरेसी, और इससे क्या हुआ जो दूसरा जो आया वो क्या किया, एक मतलब बेहतरीन बदलाव लाया किसमें, तो लिटरेसी में, साक्षरता में बदलाव लाया। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट ऑल्सो टूक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम, और दो जो इस समय में क्या हुआ, दो जो ग्रेट वोवेल शिफ्ट था वो भी इसी अवधि में हुआ, मिडिल इंग्लिश के दौरान ही हुआ। ऑल दिज फैक्टर्स, ये सभी कारण कंट्रीब्यूट, ये क्या करते, योगदान देते हैं ट्रेमेंडसली, बहुत ही गजब तरीके से, टू क्रिएटिंग ए लैंग्वेज, एक ऐसे भाषा को क्रिएट करने में, बनाने में, फॉर बोथ स्पोकन एंड रिटन पर्पसेस, दोनों मतलब बोले जाने वाले और लिखे जाने वाले उद्देश्यों को पूरा किया। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मिडिल इंग्लिश के दौरान इंग्लिश लैंग्वेज में काफी ज्यादा विकास हुआ। अब हम लोग चलेंगे मॉडर्न इंग्लिश की ओर, ठीक है। तो इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 एंड टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि वह अंग्रेजी जिसका उपयोग 1500 ईस्वी से अब तक किया गया उसे मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना गया। रिसेंटली दिस पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड इनटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश, अब रिसेंटली हाल फिलहाल में इस पीरियड को दो भागों में बांट दिया गया है, पहला को कहा गया आपका मॉडर्न इंग्लिश और दूसरे को कहा गया न्यू इंग्लिश। From the beginning of the modern period to the end of the 19th century, English was basically the language of the British Isles. यानी कि 19वीं शताब्दी से पहले तक जो है English जो था ये language वो British Isles यानी British अंग्रेजी उपमहाद्वीपों का जो है language रहा था। With the territorial expansion of the British Empire, मतलब जैसे जैसे जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश एम्पायर में, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में जैसे जैसे वृद्धि हुई, टुगेदर विद द ग्रोथ ऑफ साइंस, जैसे जैसे विज्ञान में विकास हुआ, वृद्धि हुई इंडस्ट्री, उद्योग में वृद्धि हुई, पॉलिटिक्स राजनीति में एंड लिटरेचर साहित्य में, द इंग्लिश लैंग्वेज एनरिच्ड इटसेल्फ, तो अंग्रेजी भाषा ने अपने आप को क्या किया, एनरिच्ड किया, समृद्ध किया। By successfully adding to its vocabulary, उसने क्या किया, सफलतापूर्वक अपना शब्दकोश ऐड किया। And the flavor of the countries the British had colonized, और क्या किया, उन सारे देशों पर जिस पर ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था, उपनिवेश बनाया था, मतलब उन सभी देशों को जिसे ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने जिसे गुलाम बना करके रखा था, वहां भी उन्होंने अंग्रेजी को विस्तार करने का प्रयास किया, विस्तृत करने का, अंग्रेजी को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, द एस्टवाइल कॉलोनीज, कहा जा रहा है कि एस्टवाइल कॉलोनीज यानी कि जो पहले से यानी कि भूतपूर्व में जो उपनिवेश बनाए गए थे ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के रिक्वायर्ड फ्रीडम, उन्हें फ्रीडम की सॉरी एक्वायर्ड फ्रीडम, उन्होंने क्या किया, आजादी प्राप्त कर लिया। जैसे अपना इंडिया को ही ले लीजिए, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो गया। द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्रीज, तो ब्रिटिश ने क्या किया, अंग्रेजों ने देशों को छोड़ दिया, बट इंग्लिश रिमेंड, लेकिन अंग्रेजी भाषा वहीं पर रह गया। हेंस तब से न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और तभी से पूरे दुनिया के अलग अलग भागों में नए अंग्रेजी का प्रारंभ हो गया। Some of these are American English, उनमें से कुछ अंग्रेजी जैसे American अंग्रेजी, Indian English भारतीय अंग्रेजी, Canadian English कनाडा की अंग्रेजी, एटसेट्रा इत्यादि। इन सिंपल टर्म्स यानी कि इन सीधे सरल से पदों में, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द एरा ऑफ पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिशेज, और इस तरह से यह कहा जा सकता है कि जो टर्म्स द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ यानी कि जो हाल फिलहाल का जो पीरियड रहा वो ग्रोथ के लिए रहा और डेवलपमेंट विकास के लिए रहा ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा के विकास के लिए रहा, में बी कॉल्ड, जिसे कहा जा सकता है क्या, द एरा और पीरियड यानी कि काल, अवधि या काल ऑफ न्यू इंग्लिश यानी कि नए अंग्रेजी के का काल कहा जा सकता है। दिस न्यू टर्मिनोलॉजी
यानी दिस न्यू टर्मिनोलॉजी यानी कि जो नया शब्दावली है इज एनफ, ये काफी है टू इंडिकेट या दिखाने के लिए, संकेत देने के लिए कि हाउ द लैंग्वेज मैनिफेस्ट इटसेल्फ, कि भाषा किस तरह से प्रकट होता है एंड मोल्ड्स और विभिन्न प्रकार के सांचे बनाता है, या कह सकते हैं कि मतलब अलग अलग रूप लेता है टू सर्व द बेसिक पर्पस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, सेवा करने के लिए, किसी को सेवा करने के लिए, तो द बेसिक पर्पस यानी कि जो मूल जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, मानव संचार के लिए। द स्टोरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा की जो कहानी है इज लाइक ए फ्लोइंग रिवर, एक बहती नदी के जैसा है, मेंडरिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, क्रॉस कॉन्टिनेंट्स यानी कहा जा रहा है कि मिंडरिंग यानी घुमावदार रास्ते से होकर के बहती हुई, कॉन्टिनेंट्स यानी कि द्वीपों के बाहर, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों के बाहर, कॉन्टिनेंट्स एब्जॉर्बिंग द नेटिव सोल यानी कि मतलब मूल नेटिव सोल यानी कि मातृभूमि की मिट्टी को ऑब्जर्व करते हुए एंड एंटरिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, और ये क्या कर रहा है, लोगों के दिल में उतर रहा है अंग्रेजी भाषा। नो सरप्राइज, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, देयर फॉर इसलिए इफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड यदि पूरी दुनिया के लोग हैव अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज टू इंग्लिश, इसलिए पूरे दुनिया के लोगों ने क्या किया है, अकॉर्डेड किया यानी प्रदान किया है द स्टेटस यानी कुछ स्टेटस को ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज टू इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का पद पूरे दुनिया के लोगों ने प्रदान किया है। थोड़ा सा और है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी कि इस वैश्वीकरण के दौर में, काल में, इंग्लिश हैज बीन फाउंड सुटेबल यानी कि अंग्रेजी को कैसा पाया गया है, तो उपयुक्त पाया गया है एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के मतलब संचार के रूप में इसे सुटेबल पाया गया है अंग्रेजी को। इट हैज ऑल्सो इक्विप्ड इटसेल्फ टू सर्व एज द लैंग्वेज ऑफ द प्रेजेंट साइबर एज, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट हैज आल्सो इक्विप्ड इटसेल्फ, इसने स्वयं को सुसज्जित किया है टू सर्व सेवा करने के लिए एज द लैंग्वेज ऑफ द प्रेजेंट साइबर एज यानी कि वर्तमान साइबर एज के लैंग्वेज के रूप में सेवा करने के लिए अंग्रेजी ने अपने आप को क्या किया है, सुसज्जित किया है। इन द नेक्स्ट फ्यू पेजेज यानी कि आगे के कुछ पन्ने में, पेजेज में, पृष्ठों में, वी विल डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से गुण है, चारित्रिक गुण है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। विच हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, जिसने योगदान दिया है टू इट्स ग्रोथ, इसके ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए एंड डेवलपमेंट, और इसके विकास के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था सेकंड चैप्टर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो काइंडली आप इसे लाइक करें। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।